गाइज यार बहुत दिनों से मैं गंदा घूम रहा था और बॉडी भी बास मार रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज नहा लिया जाए। इसलिए मैं आ चुका हूँ कपड़े वपड़े उतार के सीधा पुल के पास। आज तो भाई मजा आ जाएगा, जल्दी से डाइव मारते हैं। गाइज यार पानी बहुत ठंडा ठंडा है। वैसे कभी कभी नहाने में भी मजा आता है और कभी कभी कुछ ज्यादा ही आलस आ जाता है। शिनचैन भी 2 दिन से नहाया नहीं है। अब मैं उसको बोलूंगा तो वो कोई बहाना निकाल देगा, इसलिए मैंने उसको पूछा ही नहीं। उसको छोड़ो गाइज, आज हम लोग ही मजे लेंगे। अरे ये क्या फ्रैंकलिन भैया, ये आप क्या कर रहे हो? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? अरे पर क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे बोलेगा ही ना, सबसे पहले आप बाहर आओ। अरे पर हुआ क्या बताओगे, तुम लोग नहाने भी नहीं दोगे मुझे? देखो आपने हमसे वादा किया था कि आप बाहर घुमाने लेके जाओगे, और जैसा कि हमें दिख रहा है आपने वो वादा तोड़ दिया। आप कभी भी अपनी कही हुई बातों पर नहीं रहते। मैंने ऐसा कहा था क्या? क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं ऐसा। देखा देखा आप भूल गए, आप एक नंबर के मतलबी हो मतलबी। छोड़ो शिनचैन, इनसे क्या उम्मीद रखना। अरे भाई यार मेरा सर मत खाओ, रुको अभी। गाइस यार जल्दी से जाके कपड़े पहनते, अपन कभी शांति से नहा ही नहीं सकते। आज कौन से कपड़े पहनूं? हाँ ये ठीक रहेंगे। अब जल्दी से इन दोनों को कहीं बाहर घुमाने लेके जाते हैं, वरना अपना सर खा जाएंगे। शिनचैन चुप, कहाँ गए? ये रहे, जल्दी से तैयार हो जाओ और अभी बकवास मत करना, चुपचाप मेरे साथ चलो। अरे ये हुई ना बात। गाइस यार मुझे इन दोनों के सामने सरेंडर करना ही पड़ता है। अरे जल्दी जल्दी चलो ना। अरे चुप, चली तो रहा, उड़ के थोड़ी ना जाऊंगा। गाइस यार एक काम करते, ये वाली गाड़ी लेके जाते हैं। चुप प्लीज, ऊपर मत बैठना। अच्छा ठीक है। अबे यार तू कभी मेरी बात नहीं मानेगा ना। और इसमें मेरी क्या गलती, आपके गाड़ी में जगह है क्या? ये गाड़ी बस 2 ही सीटर है। हाँ वैसे ये बात तो है, फिर भी एडजस्ट तो कर ही लेते ना। और ऊपर मैं क्यों एडजस्ट करूँ, मुझे ऊपर खड़ा रहना अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है बाबा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बीच पर, आज यही पर पिकनिक मना लेते हैं और थोड़ा सा आराम भी कर लूंगा। बीच एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर इनका भी काम हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। ये लोग खेलते रहेंगे और मैं सोता रहूंगा। अरे चलो चलो जल्दी चलो। शिनचैन तू गाड़ी का दरवाजा खुला रख के आया है? अरे सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, मैं तो भूल ही गया था। तो गाइस गाड़ी का दरवाजा बंद करके, चटाई वटाई बिछा के और ऊपर छतरी लगा के मैं तो मस्त सो गया हूँ। अरे ये क्या फ्रैंकलिन भैया, ये तो बहुत ही गलत बात है। आप हमें यहाँ पर घुमाने लेके आए थे या फिर सोने? आपने हमें मामू बनाया है मामू। अरे क्या यार शिनचैन, तुम लोग जाके खेलो ना, मेरा क्या काम? मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा किया, मैं तुम्हें बाहर लेके आया ना। अरे छोड़ो ना शिनचैन, मैंने तुमसे कहा था इनसे उम्मीद रखना ही बेकार है। एक मिनट गाइस, ये आवाज कैसी? ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर चिल्ला रहे, पर आवाज आ किस साइड से रही है? एक मिनट, वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है और इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? शिनचैन वहाँ पक्का कुछ चल रहा है, हमें जाके देखना चाहिए। अच्छा ठीक है चलो। तो जल्दी से आ जाओ दोनों जन मेरे पीछे। गाइस यार वहाँ पक्का कुछ तो हो रहा है। ओह भाई साहब, यहाँ पर एक फिनिश लाइन बनी हुई है। और एक मिनट, ये क्या, इतना सारा पैसा और गोल्ड बार, या पक्का कोई तो कॉम्पिटिशन या ऐसा कुछ हो रहा है। अरे जल्दी से जाके पता करो ना। पर क्या पता करूँ? अरे यही के यहाँ पर हो क्या रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया जरा अपने पीछे देखो, वहाँ से कोई तो भागते हुए आ रहा है। अरे हाँ गाइस, ये तो एक ओल्ड मैन है। वाह क्या बात है, मुझे लगता है मैं ही जीतूंगा, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। मुझे ये कैसे भी करके पूरा करना होगा, मेरे पैसे दाव पर लगे हैं। बाय बाय चाचा, वाह क्या बात है, मैं तो जीत गई। अरे नहीं, मेरा सारा पैसा डूब गया, मैं कंगाल हो गया हूँ। एक मिनट, उस अंकल से तुमने शर्त लगाई और उनके सारे पैसे ले लिए, तुम्हें इंसानियत है या नहीं है? ये बहुत गलत बात है। ये बच्चे तुम मुझे मत सिखाओ, समझे ना, मैंने ये रेस बाकायदा जीती है, ऐसे फ्री में पैसे नहीं लिए। अगर इतना ही था तो अंकल को रेस लगाने की जरूरत क्या थी? अब जाओ यहाँ से चुपचाप। अरे पर सुनो तो सही, उनकी कोई मजबूरी होगी? वो सब मुझे नहीं पता, अंकल ने पैसे लगाए, अंकल हार गए, अब वो पैसे मेरे हुए। अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है तो तुम मुझसे रेस लगाओ और ये पैसे जीत लो। चैलेंज एक्सेप्टेड। गाइस यार हम करके दिखाएंगे, वो अंकल की मदद करेंगे। शिनचैन चुप, मेरी बात सुनो, मैंने एक चैलेंज ले तो लिया है पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरे पर हम लोग कैसी मदद कर सकते हैं, हमें तो पता भी नहीं कि करना क्या है। सिंपल सी चीज है, मुझे रेस करनी है और उसके लिए तुम दोनों मुझे ट्रेन करोगे। अच्छा ऐसा, क्या फिर आ जाओ। एक मिनट भाई, रेस की प्रैक्टिस करवानी है, हम लोग टेरेस पर क्या कर रहे हैं? अरे जरा अपने सामने तो देखो। हो भाई साहब। गाइस यार इन्होंने तो यहाँ पर पूरा जिम ही ला दिया है, ये तुम लोग ने किया कैसे? अरे ये सब हमने टोनी भैया की मदद से किया, आप बस आम खाओ ना, गुटलिया क्यों गिन रहे हो? अबे तू ये फालतू डायलॉग मारना बंद कर दे और बता मुझे करना क्या है। अरे आपको इतना भी नहीं पता, आपके सामने ही ट्रेडमिल रखी हुई है, उस पे जाके भागना शुरू करो। ओके अभी मैं समझा, तो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो, इतने स्लो की भाग रहे हो? अरे कहाँ स्लो भाग रहा हूँ, इतना तो फास्ट भाग रहा हूँ, मेरी तो हालत खराब हो गई है। ऐसे आप अर्नेटा को हराओगे, मुझे तो लगता है ऐसे तो आप उस बुढ़े अंकल से भी हार जाओगे। अच्छा ऐसी बात है, अभी तुम लोग देखो। गाइस यार इनको बता देंगे।
आप क्या बोलते हो? अरे वाह, ये हुई ना बात, अब बारी है ट्रेनिंग टू की। अब तैयार तो हो ना? ट्रेनिंग टू? और कौन सी ट्रेनिंग बाकी है? मैं स्पीड तो भाग रहा था। अरे इतने से कुछ नहीं होगा, आपको और प्रैक्टिस करनी होगी। ओके भाई, तुम लोग जैसा बोलो। चलो कहाँ पर चलना बताओ मुझे। पता नहीं गाइस, ये लोग आगे क्या करवाने वाले। एक मिनट शिनचैन, ट्रेन की पटरी पर क्यों लेके आए हो? और यहाँ पर तो एक यूनिसाइकिल है, कोई रैंप वगैरह करना है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रैंप तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम आपको एक सिंपल सी चीज देंगे, आपको बस वो टास्क पूरा करना है। हाँ आपने एकदम सही सुना, एकदम सिंपल सी चीज। अच्छा बताओ जरा। आपको ये यूनिसाइकिल चलानी है और अपनी पूरी स्पीड के साथ एक ट्रेन को पीछे करना है। एक मिनट, तुम्हारा मतलब मैं ट्रेन से रेस करूं? अरे आपने एकदम सही सुना, अब जाओ जल्दी से। ओ भाई साहब, गाइस मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है, मैं ट्रेन से कैसे रेस कर सकता हूँ, वो भी एक साइकिल लेके। अब ट्रेन आने का इंतजार करो गाइस, ट्रेन तो आ गई है। शिनचैन चौप, तुम लोग देख रहे हो? जल्दी से बोलो निकलो या नहीं वो आगे निकल जाएगी। अरे हमारा मुंह क्यों देख रहे हो, हमने तो आपको कब से बोल दिया है कि आपको ट्रेन के साथ रेस करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, चिल्ला मत यार। गाइस यार ट्रेन को कैसे हराऊंगा मैं, अपनी पूरी स्पीड के साथ चलाता हूँ। भाई साहब, इसके पहले वाली प्रैक्टिस की वजह से मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा तेज हो गई है, मतलब के पैरों की स्पीड, इसलिए मैं तेज तेज पैंडल मार पा रहा हूँ। ओहो बच गए बच गए। चलो ट्रेन के पास तो पहुंच गए, कैसे भी करके इससे आगे निकलना है। अबे नहीं, ट्रेन स्पीड होते जा रही है। अबे यार यहाँ का तो रास्ता भी खराब है। नहीं 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 नहीं, साइड से होके जाना पड़ेगा। यार ये बहुत गलत बात है, ऐसे तो ट्रेन आगे निकलेगी ना, ये तो चीटिंग हुई। एक काम करता हूँ, यहाँ से जंप मार के सीधा ट्रेन में चला जाता हूँ। ओ यार शिट, पहुँचते पहुँचते रह गया। पर हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़े बहुत पैर दुखने आए मेरे, पर गाइस हम लोग रुकेंगे नहीं। तो आप क्यों रुके हुए हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार। ओहो गाइस यार, मैं फास्ट तो चला रहा हूँ पर यहाँ पर ढलान थी, थोड़ा सा डर लगता है। चलो चलो चलो, हम लोग थोड़ा थोड़ा तो करके आगे जा ही रहे। ये रही ट्रेन, और यार फिर से बच गया, अभी तो ट्रेन के अंदर चढ़ी जाता मैं। गाइस गाइस गाइस, फिर से हम लोग स्लो हो गए। ओहो क्या मजा आ रहा है यार, इतना एडवेंचरस लग रहा है ना ये चीज मुझे। एक मिनट, हम लोग फिर से पूरा पीछे हो गए। चलो चलो चलो, यहाँ से जम मार मार के आगे जाते क्या? और ये मैं चला, अबे नहीं यार टकरा गया। ओहो बूम बूम गाइस, क्या मजा आ रहा है। और एक और जंप, ओ हम लोग बाहर निकल गए। चलो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे तो इसको पीछे नहीं कर पाते। जल्दी जल्दी, अबे नहीं 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 नहीं, पटरी पे से चढ़ के जाता हूँ। ओ जाने वाले बच गए, क्या नीचे गिरे हम लोग। गाइस एक मिनट, मैंने ट्रेन को जस्ट अभी पीछे किया। वाह क्या बात है, हमारी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जरा हमारा बार तो देखो। गाइस यार कमाल हो गया, हमने ट्रेन को हरा दिया, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अब जल्दी से जाके शिनचैन और चॉप को ये बात बताता हूँ। ओ एक मिनट, ये लोग यहाँ पर पहुँच गए? अबे तुम दोनों तो मेरे से भी पहले पहुँच गए, ऐसा कैसे? अरे हमारे पास तो हेलीकॉप्टर था, आपको क्या लगता है हम लोग वहाँ से चल के आएंगे? वैसे एक बात तो बोलनी पड़ेगी, आपने बहुत ही अच्छा किया, अब बस लास्ट वाली ट्रेनिंग बाकी है। अबे इतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अर्नेटा फ्लैश थोड़ी है वो। अरे आपको कुछ नहीं पता, वो इस शहर की सबसे अच्छी एथलीट है, वो आपको आराम से हरा देगी। अच्छा ठीक है भाई, बताओ कहाँ जाना है। ये लो हम लोग पहुँच गए, ये तो एक समुन्दर का किनारा है, यहाँ से रेस का क्या लेना देना। अरे आप चलो तो सही। हाँ भाई चल ही रहा हूँ, अब तो ऐसा लगने लगा है ना कि तुम लोगों को ट्रेनिंग का बोल के मैंने गलती कर दी। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं पछताओगे। अरे चॉप एकदम सही बोल रहा है, अब जल्दी से जाओ और पानी में कूद जाओ। आपको ये लेक तैर के पार करनी है और उसके बीच में आने वाले ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना है, बस इतना ही। ओके गाइस ये तो आसान ही लग रहा है, कर लेते हैं जब इतना बोल रहे, तो इससे हमारी थोड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो अब जल्दी से मारते हैं छलांग। गाइस अबे यार मैं बहुत ज्यादा नीचे आ गया हूँ, जल्दी जल्दी तैर के जाते आगे। एक मिनट गाइस, ये किसकी आवाज है, मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा है, यहाँ पक्का कोई तो होगा। नहीं यार ये तो शार्क है, जल्दी जल्दी ऊपर जाना होगा, इनसे कैसे भी करके बचना होगा यार। ये वाले ऑब्स्टेकल शिनचैन ने ऐसा तो बताया ही नहीं था, ये तो जानलेवा चीज है यार, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, जल्दी जल्दी ऊपर जाता हूँ। गाइस यार फटाफट तैर के ये चीज पार करते हैं। शिनचैन और चॉप को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको बताना चाहिए ना कि इसके अंदर शार्क्स है। अगर इन शार्क्स ने मुझे खा लिया ना तो कसम बता रहा हूँ मैं। वैसे खा लिया तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जल्दी जल्दी किनारे पर जाते हैं गाइस। पर इतना पक्का है मैं शिनचैन चॉप को नहीं छोड़ूंगा। चलो गाइस फाइनली बाहर आ गए, आप लोग देख रहे हो कितना स्पीड से मेरा पीछा कर रही थी। ओ भाई साहब ये तो पास आ रही है, एक मिनट ये किनारे से बाहर आ रही है। अबे नहीं नहीं नहीं, और ये किनारे से बाहर आके तुरंत ही मर गई। आप लोग देख रहे हो कितनी सारी शार्क्स है, इन दोनों को जरा भी दया नहीं आई मुझ पर, मेरी जान की थोड़ी बहुत फिक्र है या नहीं। ये रहे तुम लोगों ने क्या किया। अरे क्या यार, आप हम पे हमेशा चिल्लाते रहते हो। तो चिल्लाओ नहीं तो क्या आरती उतारू, अभी मर जाता तो। अरे वो सब छोड़ो, जरा अपना स्पीड बार देखो कितना ज्यादा बढ़ गया है, अब तो अल्ट्रा लेवल पर पहुंच गए। अबे हाँ यार गाइस मजा आ गया, मैं तो बोलता हूँ अपना स्पीड टेस्ट कर लो एक बार। अरे हाँ हमें देखना है आप अभी कितना स्पीड भाग सकते हो। अच्छा ठीक है गाइस, वैसे देखना तो मुझे भी है, मैं वापस लेक के अंदर तो जा रहा हूँ, पर मुझे बहुत ज्यादा डर है कि इसके अंदर शार्क ना निकले। वैसे ये लेक है या समुंदर है कुछ पता नहीं मुझे, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अब जल्दी से भागते हैं। गाइस यार कमाल हो गया,
मैं पानी के ऊपर भाग सकता हूँ। हमारी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे मजा आ गया यार। हाँ वैसे ये थोड़ा डरावना भी है, क्योंकि अगर गलती से भी रुक गया तो सीधा पानी के अंदर जाऊंगा। भाई यार क्या मजा आ रहा गाइस, हमने आखिरकार अपनी स्पीड बढ़ाई ली। अब जल्दी से किनारे पर जाते हैं, शिनचैन चौप वहीं पर खड़े होंगे। वो रहे शिनचैन चौप, यार तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकलिन भैया, ये सब तो होता रहता है। अच्छा ठीक है, पर हमें रेस के लिए भी जाना होगा, क्योंकि रेस आज ही के दिन है, अगर लेट हो गए तो फिर हमारा पोपट हो जाएगा। अरे हाँ आप एकदम सही बोल रहे हो, चलो जल्दी से चलते हैं। तो आ जाओ फिर गाइस, यार जल्दी जल्दी जाते हैं वापस बीच पर। चलो हम लोग पहुंच गए। वो रही अर्नेटा, अर्नेटा आज तो तुम्हारी वाट है, तुम बचोगी नहीं। ये देखो ये फुद्दू वापस आ गया, तुम एक नंबर के बोल बच्चन हो। अगर मैं बोल बच्चन होऊंगा ना तो आज तुम्हें पता चल जाएगा, तुमने मुझे चैलेंज किया था और मैंने एक्सेप्ट किया था, तो आज ही होगी वो रेस। तो करो ना फिर, मैं डरती थोड़ी ना हूँ तुमसे। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो शायद, पर पूरा शहर जानता है, यहाँ पर मेरे लिए ही तालियां बज रही है। गाइस यार ये कुछ ज्यादा ही बोलती है, इसको तो हराना पड़ेगा ही। अभी मेरी बात सुनो, तुम्हें लॉस सेंटोस का मैप दिख रहा है? हमें ये पूरा मैप क्रॉस करना है इसकी बॉर्डर से, जो सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचेगा वो जीतेगा, उसका ही नाम होगा। अच्छा ठीक है, तो गाइस रे शुरू होने वाली है। 1 2 3 गाइस हमने शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी की है, हम लोग पक्का जीतेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जरा अपनी स्पीड तो देखो, मुझे तो अर्नेटा कहीं पर दिखाई भी नहीं दे रही है। हम लोग उससे पहले पहुंचेंगे 101%, हमारी ट्रेनिंग कमाल की काम आने वाली है। गाइस फाइनली फिनिश लाइन, बूम। अब इसे कहते हैं ना प्रो प्लेयर। गाइस यार जरा देखो तो सही, अर्नेटा तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, मैं अच्छे खासे डिस्टेंस और टाइम दोनों से जीता हूँ। अब तो हमें भाई साहब ये पैसे लेने से कोई नहीं रोक सकता। जरा देखो तो सही, इस बार अपने लिए तालियां बज रही है, सब लोग अपने फोटो ले रहे हैं। अरे पर अर्नेटा कहाँ पर रह गई, वो तो कहीं पर दिखाई भी नहीं दे रही। अरे दे रही है, जरा पीछे देखो वो यहाँ पर आ ही रही है। ओ गाइस ये अभी जाकर पहुंची है। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओ अर्नेटा पहुंच गई, क्या हालचाल, सब मजे में? बहुत टाइम हो गया यार तुमसे मिले, सोचा हाय हेलो कर लूं। चिढ़ा लो जितना चिढ़ाना है, याद रखना इस बार जीते हो अगली बार नहीं जीत पाओगे, तुम्हें बच्चा समझ के माफ किया जाओ। ओ भाई साहब एक तो हार गई, ऊपर से अभी भी चौड़ दिखा रही है। चलो कोई बात नहीं, ये प्राइज मनी तो अपना हुआ, अब यहाँ से उठा लेते हैं और जाके दे देंगे उस अंकल को, अपना भी भला हो जाएगा अगर वो आशीर्वाद देंगे तो, और उनका भी भला हो जाएगा यार। और तो क्या ही रखा है, दुनिया में खुश रहो और खुशियां बांटो। अरे बस हाँ, इतना महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ सबको पता है आप इतने भी भोले नहीं हो। अच्छा ठीक है, पर कभी कभी अच्छे काम कर भी लेता हूँ। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपने